सरोज और मैं हूँ आपके साथ सुनीता। इस वक्त हम मौजूद हैं सरैया स्टेशन चौधरी चरण सिंह पार्क में मौजूद हैं, जहाँ पे आजकल से पहलवानी का जो कार्यक्रम यहाँ पे चल रहा है, दंगल का कार्यक्रम चल रहा है दो दिन से। तो आज यहाँ पे फाइनल है कि कौन विजेता होगा। यहाँ से आप देख रहे हैं कि यहाँ पे बच्चे बूढ़े महिलाएं भी यहाँ पे जो है देखने के लिए आई हैं, क्योंकि ये एक जो है गांव के तरीके से अगर हम बात करें, गांव में लोग कहते हैं कि कुश्ती, गांव में जो लोग बोलते हैं कि कुश्ती हो रही है, चलिए हम देख रहे हैं। तो ये एक तरीके से एक पता नहीं, ये तो हम नहीं जान सकते हैं कि ये कहाँ से आए हैं। और यहाँ पे हमने देखा है जो महिला पहलवानी जो कर रही हैं, इनका मैंने वीडियो देखा तो हमसे रहा नहीं गया, क्योंकि एक महिला एक लड़कियों के लिए जो एक उदाहरण है। तो आज हम उनसे बात करेंगे कि वो कहाँ से इतना प्रभावित हुई कि वो, हर किसी का सपना होता है कि वो कहीं ना कहीं मतलब कुछ करे और आगे बढ़े। तो आज हम इन दो लड़कियों से बात करेंगे कि आखिर इनके मन में ऐसी अगर बात आई तो कहाँ से बात आ गई। तो सबसे पहले हम आपका नाम जानेंगे। पूनम बनारस से आई हूँ। कितने साल की उम्र है आपकी? जी 17.5। 17.5 साल की उम्र है। तो ऐसा क्या आपने सोचा, क्या आपने देखा कि कहाँ से प्रभावित हुई कि हम महिला मतलब पहलवानी करें? मेरे को जो उन्होंने बोला हमारे गुरु कितने वर्ष हो गए फिर? एक महिला वहाँ पे भी है, उनसे कहेंगे यहाँ पे आ जाए, सामने आ जाए। हम ये जानना चाहते हैं कि आपके घर वालों का इसमें सहयोग रहा कि आप जाइए पहलवानी करिए। तो ये पहलवानी करके, क्योंकि इसमें तो ये बहुत ही रिस्की खेल है, क्योंकि इस खेल में लोग अपने हाथ पैर भी तोड़वा लेते हैं। तो आपको क्या लगता है कि आज यहाँ पे फाइनल राउंड है, तो इस फाइनल राउंड में आपको कितना साहस है कि हम विजेता हो पाएंगे? मैडम जी, ये तो अब अभी तो दाव लगाने के हिसाब से होगा। अब जो दाव लगा दे और जीत होती है, अब जो दाव लगा दे, जहाँ दाव लग जाए उसे दाव लगाने का सबको अपने कोशिश करता है, सबको बचाव की कोशिश करता है। अब जहाँ दाव लग जाए, तो आप कहाँ तक जाना चाहते हैं, कहाँ तक मतलब कुछ का सपना हो रहा कि हम कहाँ तक जाएंगे कोशिश करते करते, क्योंकि कोशिश करने वालों को तुम हार मिले कहाँ तक, मतलब किस स्टेट लेवल तक जा रहे हो? अभी 19 में आपने भी मेडल वगैरह अपने और मेडल जी बिहार में लिया भी सहरसा जिला में। नहीं, पूछना चाह रहे हैं कि कहाँ कहाँ पर आपने पहलवानी की और कहाँ कहाँ आपने मेडल जीता। वैसे तो बहुत जगह जा चुके हैं, नाम बताना तो फिलहाल आपको याद नहीं। और आपका नाम जानना चाहेंगे हम, बरेली से। तो आपके घर वालों का फुल सपोर्ट मिलता है, ये बताइए कि कहाँ से आपने सोचा कि हम चाहे पहलवानी लड़ने लगे, क्योंकि हर किसी का कोई ना कोई सपना होता है। तो और भी बहुत सारे वर्ग हैं, बहुत सारे विभाग हैं, तो पहलवानी ही क्यों आपने सुना? तो आगे तक मतलब अभी क्योंकि जो हम आपके साथ जो अब हम भी जो पहलवान हैं उनसे बात की है, तो बता रही 2.5 साल से। तो आप कितने साल से कर रहे हैं? 5 साल से आप कर रहे हैं, मतलब पूरे क्षेत्र में, मतलब पूरे यूपी में, यूपी से बाहर भी होंगे, सर नेपाल में। तो हम ये जानना चाहते हैं कि इसमें जो है आज फाइनल राउंड है, क्या लगता है आपको कि विजय विजेता हो पाएंगे, मतलब मन में कितनी साहस होगा? वैसे आप लोग हैं पहलवानी, एक महिलाओं के लिए उदाहरण है, लड़कियों के लिए उदाहरण है। हमारे उत्तर प्रदेश में लड़कियां क्या नहीं कर सकती है, अपने आप पे आ जाए। तो भारतीय जनता पार्टी सरकार आज कहती है कि हम महिलाओं को नंबर वन, महिलाओं को आगे कर। आज हम ये जो यहाँ पे दो पहलवान हमारे साथ मौजूद थी, ये जो है एक लड़कियों के लिए उदाहरण है। खास करके यहाँ पे आप देख सकते हैं कि छोटे से बच्चे इनके मनोरंजन के लिए जो दंगल का कार्यक्रम किया गया, वहाँ पे आप देख सकते हैं कि जितने भी यहाँ के उनका सहयोग रहा है। बाकी यहाँ पे पुरुष भी पहलवान है, लेकिन हम बात करेंगे तो किसी के
महिला को देख कर मुझे रहा नहीं गया और हम औरतें चले आए उन महिलाओं से, उन लड़कियों से बात करने, क्योंकि इतनी कम उम्र में पहलवानी करना, क्योंकि पहलवानी करना कोई छोटी बात नहीं है, क्योंकि हाथ पैर भी टूट सकते हैं। और ये है जो है काफी देर से जो है बोल रहे हैं, इनसे भी बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मैं चांद राम तिवारी उन्नाव से बिलोंग करता हूँ, उसी धरती से बिलोंग करता हूँ जहाँ उसके मुख्यमंत्री आजाद काम कर रही थी। और इंडिया पर लगातार सात बार बोल देने वाला मैं चांद राम तिवारी आपके सामने खड़ा हूँ। टेक्निकल कोच हूँ वर्तमान, और नरसिंह यादव, सुशील कुमार, साक्षी मलिक, इनका सबका कहना है कि हर स्टेट में, हर जनपद में, हर जगह कुश्ती प्रतियोगिता होनी चाहिए, क्योंकि सारे खेलों ने कुश्ती को खत्म कर दिया है, कुश्ती लुप्त होते जा रही है। कुश्ती एक प्राचीन खेल है, भारत की धरोहर है। अगर कुश्ती कला होती रहेगी तो अपना देश जो है आगे बढ़ता रहेगा, स्वास्थ्य जीवन है, आने वाली पीढ़ी आपकी भी कर सकती है। और आज के टाइम में अभी अभी बता देता हूँ, यह मास्टर चंदगी राम का बेटा जो है डीएसएल एसपी लखनऊ में वर्तमान है, और जो गोल्ड मेडल लिस्ट बच्चे हैं, गवर्नमेंट सबको सुरक्षा व्यवस्था के साथ सर्विस देती है, मतलब जो गरीब घर के बेटे हैं उनके लिए आज तक कोई व्यवस्था नहीं है, कोई उनके लिए सुरक्षा नहीं है, और बेचारे आधा लीटर दूध पीते हैं। और हमारे टीम में लगभग 25 पहलवान यहाँ उपस्थित हैं, और लगभग 10,000 की संख्या पूरे भारत का मुख्यमंत्री है। आज फाइनल का दिन है, आप देखते हैं कितना झंडा लहराता है, कितना हरा जाता है, बहुत बताया। और आपकी टीम में कौन है सारे जो है?